तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सेंसर बोर्ड के मुंह में सीधा तमाचा मारते हुए ओएमजी 2 ने लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों, जो भी मूवी देखकर निकल रहा है सभी को मूवी अच्छी लगी और रिव्यू ही अच्छे मिले हैं। तो आज बात करेंगे अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है मूवी, कल यानी पहले दिन ओपनिंग कैसी रही। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर आप भी ओएमजी 2 से जुड़ी सभी अपडेट्स चाहते हैं और पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। मूवी को 1600 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था कल को और अपने पहले दिन में ही सभी को शॉकिंग रिजल्ट देखते हुए मूवी ने आज दूसरे दिन में एंट्री मार ली है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को बहुत अंडरएस्टिमेट किया गया था। अगर ये फिल्म कल ना रिलीज होकर किसी और दिन रिलीज होती तो शायद फिल्म के आंकड़े में 2 गुना बढ़ोतरी देखने को मिलती। लेकिन फिर भी दोस्तों, अपने कॉन्टेंट के पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई कर ली है। साथ ही सभी यूट्यूबर्स ने भी बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं मूवी को। तो मुझे लगता है ओपनिंग तो सॉलिड नहीं हो पाई, लेकिन आज सेकंड डे से ऑडियंस गदर 2 को छोड़कर ओएमजी 2 की तरफ जरूर बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस ने सभी का दिल लूट लिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने एक तरफा मूवी में डोमिनेट किया है। इसी के साथ दोस्तों, अक्षय पाजी एज भोला के दूत बनकर बहुत शानदार और बाखूबी से करेक्टर को पकड़ा है अपने, और यामी गौतम ने भी दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये दोस्तों अपने ओपनिंग डे में लगभग 6 से 6.5 करोड़ की एडवांस कलेक्शन के साथ एक एवरेज ओपनिंग से खाता खोला। और मूवी का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट स्लो था, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग तक अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिला। और पहले दिन यानी कल को इन्हें नेट बॉक्स ऑफिस से 10 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था, तो वही इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगभग 12.5 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा था। दोस्तों, अगर गदर 2 से इस फिल्म का क्लैश नहीं होता तो सिर्फ इंडिया से ओएमजी 2 लगभग 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग ले सकती थी आराम से, क्योंकि पब्लिक की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं मूवी को और क्रिटिक्स ने भी कंटेंट बेस पर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बताया है ओएमजी 2 को। जो दोस्तों, कल अपने पहले दिन में पूरी दुनिया से मूवी ने 16 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी, जो मैंने अनुमान लगाया था कि कम से कम 15 करोड़ की कमाई अपने पहले दिन में कर लेगी, और वैसा ही हुआ। खैर बात करें आज यानी सेकंड डे की, तो यस 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ मूवी ने सेकंड डे में जबरदस्त हुंकार भरी है और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 20 से 25% के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते हुए मूवी आज एंड ऑफ द डे तक लगभग 13 से 14 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस से, और पूरी दुनिया से लगभग 18 से 19 करोड़ का आंकड़ा आराम से टच कर सकती है। ऐसे में दोस्तों, पहले 2 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक 23 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगा और पूरी दुनिया से 34 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख लेगी ये फिल्म। दोस्तों, मूवी को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मूवी अपने पहले हफ्ते में धमाका करने वाली है नो डाउट। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी ओएमजी 2 को देख लिया है अभी तक तो ये फिल्म कैसी लगी आपको और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।